हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। EMRS की तरफ से रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे 6,329 वैकेंसीज भी निकल के आया है। इसमें आप लोगों को TGT जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड हॉस्टल वार्डन के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। आज इस वीडियो के अंदर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे। उसके साथ साथ पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि EMRS की तरफ से ऑफिशियली ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए पूरा डिटेल्स किस तरह से आपको करना होगा। हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक, जहां से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। EMRS की तरफ से एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। दोस्तों, EMRS के मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से इसको बनाया गया है, जहाँ पे 2023 में बहुत सारे वैकेंसीज लेके रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। EMRS की तरफ से ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश हुआ है, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो उनके लिए क्या किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है TGT जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जहाँ पे 5,660 वैकेंसीज है। हॉस्टल वार्डन के लिए मेल कैंडिडेट चाहिए 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334, टोटल 6,329। ये था पूरा जानकारी यहाँ पे वैकेंसीज कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या है। और इसके बाद आता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के ऊपर, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस के ऊपर कैंडिडेट चाहिए अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो। इसके साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है लैंग्वेज और सब्जेक्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, वो है बंगाली, गुजराती, कनाडा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजोरम, संस्कृत एंड संताली के ऊपर आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा म्यूज़िक, आर्ट, फिजिकली फिट एफिशिएंसी टेस्ट और पीटी के टीचर जो है उनके लिए मेल एंड फीमेल लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। और जो कि है हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल के लिए भी जो वैकेंसीज आए उसके लिए भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे और बात करें सैलरी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरियन के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो उनके लिए आपको सैलरी चाहिए दिया जाएगा आपको 44,000 to 1,00,000। अदर TGT टीचर के लिए जो कि है म्यूज़िक, आर्ट, PT टीचर के लिए 35,000 to 1,00,000। हॉस्टल वार्डन के लिए 29,000 से शुरू होगा आपका सैलरी। यहाँ पे अभी आपको बताऊँगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है यहाँ पे OMR बेस सीट के ऊपर जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें आपको TGT टीचर के लिए एग्ज़ाम रेन्यूअल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 120 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 मार्क्स के ऊपर। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग इसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर जो है यहाँ पे भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। एग्ज़ाम के लैंग्वेज और क्वेश्चन के लैंग्वेज हर एक स्टेट के लिए जो मेन लैंग्वेज है उसी के ऊपर एग्ज़ाम के लैंग्वेज होने वाला है। और यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो है 120 मार्क्स के, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT एंड नॉलेज ऑफ POCSO के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इसके साथ साथ 120 मार्क्स के जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। और एक OMR सीट में जो कि आपको एग्ज़ाम देना होगा। और इसके साथ साथ आपको अभी बताऊँगा आपका सिलेबस के साथ साथ आपका और क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है।
दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, आपको उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ अभी। TGT इंग्लिश हिंदी थर्ड लैंग्वेज मैथमेटिक्स के ऊपर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो 33-35 ईयर्स इज मैक्सिमम एज लिमिट। SC ST OBC के लिए अलग से एज रिलेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे बैचलर इन ऑनर्स में आपको वही सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट करना होगा और इसके साथ साथ BEd भी आपके पास होना चाहिए, BEd कोर्स। TGT म्यूज़िक के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक, आर्ट के लिए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, आर्ट TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर के ऊपर सेम रहने वाला। लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएशन इन वन ईयर इन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस के ऊपर क्वालिफाइड करना होगा। और अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो तो सिंपल आपको ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है कोई भी स्ट्रीम से आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी आपको बताऊंगा ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा, आपका फ़ोटो सिग्नेचर। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे चुका हूँ, अगर आप चाहते हो वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करना होगा जो कितना है आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए तो आपको TGT के लिए 1500 एंड हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 तक आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करना होगा। आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा जिसमें आपको पूरा सब कुछ देने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करना होगा। तो यही था आज की अपडेट। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। और भी कुछ जानकारी चाहिए इस वीडियो के थ्रू के लिए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।